तो हम बात करने लगे हैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम की। ये भी एक एल्गोरिथम है और ये एल्गोरिथम है हमें लार्ज नंबर्स का, लार्ज इंटीजर्स का जीसीडी फाइंड करने के लिए। सो स्मॉल नंबर्स का जीडी बताना तो बहुत जीसीडी बताना तो काफी इजी था, बट लार्ज नंबर्स का जीसीडी बताना काफी मुश्किल है। तो ये एल्गोरिथम कैसे वर्क करते हैं ये देखते हैं, और कितना इंटरेस्टिंग है। बस ना एक सीक्वेंस है, उसके एक स्टेप्स है, उसको बहुत गौर से लेना। तो पहले स्टेप नंबर 1 क्या है हमारे पास? सो लार्ज नंबर हमारे पास क्या होगा? डिवाइडेड, और स्मॉल नंबर गया हमारे पास डिवाइसर, राइट? तो सॉल्व करते हैं, 3 और 1 6 3 8 वी गेट द रिमाइंडर 147। दिस इज अवर स्टेप नंबर 1, ठीक है, सिंपल डिविजन की। अब स्टेप नंबर 2 कैसे करेंगे, गौर से देखो। फिर स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? द डिवाइजर ऑफ द स्टेप 1 इज द डिवाइडेड इन द स्टेप 2। तो जो डिवाइजर था स्टेप 1 में वो डिवाइडेड बन जाएगा स्टेप 2 के अंदर, ठीक है। अब स्टेप 2 के अंदर डिवाइजर क्या होगा? रिमाइंडर ऑफ स्टेप 1। फर्स्ट स्टेप का जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन गया, और जो डिवाइजर था वो डिवाइडेड बन गया, राइट? तो डिवीजन करेंगे, डिवीजन आपने वैसे ही करनी है जैसे नॉर्मली करते हैं, 4 for 1 एंड वी गेट 105 एज रिमाइंडर। अब देखो स्टेप नंबर 3 के साथ करेंगे। सो वी यूज राइट हियर स्टेप 3, वी रिपीट द प्रोसेस विच वी डिड इन स्टेप नंबर 2 अगेन। क्या करेंगे, जो अब डिवाइजर क्या होगा, अब डिवाइडेड होगा हमारे पास जो डिवाइजर ऑफ स्टेप 2 है विच इज 147, और हमारे पास डिवाइजर क्या होगा जो रिमाइंडर है स्टेप 2 का विच इज 105। सो 1 आएगा, 105 वी गेट 42 एज रिमाइंडर। सिमिलरली अगेन जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। सो स्टेप हमारे पास आएगा 4 1 अगेन, अब डिवाइजर को यहाँ डिवाइडेड होगा 105 डिवाइजर ऑफ स्टेप 3, एंड हमारे पास जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा डिवाइजर। सो यहाँ पे क्या आएगा, 2 विच इज बिकम 84 एंड वी गेट 22। अगेन रिपीट द प्रोसेस। आगे नेक्स्ट पेज पर ब्लू यूज कर लेते हैं। सो वी गेट 42 अब हो गया हमारे पास डिवाइडेड, और हमारा रिमाइंडर क्या आया था 21। सो 21 हियर। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे आएगा 2, सो वी राइट 2 हियर एंड वी गेट 42 एंड रिमाइंडर एज 0। स्टेप प्रोसेस स्टॉप से, ठीक है, क्योंकि मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। इट मींस द जीसीडी ऑफ क्या था हमारे पास, 1782 एंड 546 इज 21। सो दिस इज ओवर, वेरी सिंपल एंड सिंपल एंड वेरी एफिशिएंट वे ऑफ फाइंडिंग द एल्गोरिथम। सो यहाँ से हम चले थे स्टेप नंबर 1, हमने क्या किया था, लार्जर नंबर को डिवाइडेड लिखा था, स्मॉलर नंबर को डिवाइजर बनाया था, और उसके बाद किया डिवाइजर ऑफ फर्स्ट स्टेप बिकम्स द डिवाइडेंड ऑफ सेकंड स्टेप, एंड द डिवाइजर ऑफ सेकंड स्टेप इज द रिमाइंडर ऑफ फर्स्ट। सो दिस प्रोसेस गोज ऑन, राइट? इज इट क्लियर टू एवरीवन हियर? वेल डन। एक तो तरीका ये था इस थ्योरम को समझने का। अब दूसरा तरीका क्या है इस एल्गोरिथम को सॉरी समझने का, उसको ना जो एक्चुअली बुक्स में जैसे लिखा होता है वो इस फॉर्म में लिखा होता है, प्रूफ करना, प्रूफ और तो मैथमेटिकल वे में इसको समझते हैं। अगर एक नंबर ए इज डिवाइडेड बाय बी, इज डिवाइडेड बाय बी, देन बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम इसको किसना लिखोगे आप, कि ए इज इक्वल टू क्यू वन बी प्लस आर वन, राइट? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, सब सोच के बताओ। एग्जैक्टली, तो होगा बी इज इक्वल टू क्यू टू आगे आर वन प्लस आर टू। सिमिलरली प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, उसके बाद आएगा आर वन इज इक्वल टू क्यू थ्री आर टू प्लस आर थ्री। और आप मुझे सोच के बताओ कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आर टू इज इक्वल टू क्यू फोर आर एग्जैक्टली आर थ्री प्लस 4 R1, और ये प्रोसेस इसी तरह चलता जाएगा, ठीक है। तो किस तरह लिखेंगे प्रोसेस इसको, जरा यू नो जनरलाइज फॉर्म लिखते हैं। आर एन आएगा, यहाँ पे आएगा एन माइनस वन, ठीक है, और यहाँ पे आएगा आर एन, और यहाँ कौन सा आएगा आर एन माइनस टू, राइट? अगर आप देखो जनरलाइज फॉर्म इसी तरह लिखा जाएगा। इसका लास्ट स्टेप क्या होगा, आर एन माइनस वन इज इक्वल टू क्यू एन प्लस वन, और आर एन इधर आएगा और प्लस वन। दिस इज द इस स्टेप पर हमारा थ्योरम स्टॉप कर जाएगा। दिस इज द व्हेन वी गेट रिमाइंडर 0 द एल्गोरिथम स्टॉप्स, ठीक है। सो ये देखो स्टेप 1 ये था, ये देखो अगर उसको थोड़ा टाइम आ सकता है इट मूव्स ऑन लाइक दिस। हियर भी देखो मूव्स ऑन मूव्स ऑन, सिमिलरली ये आगे भी आप देख सकते हो, राइट? अच्छा, अब तीसरा तरीका क्या है इस एल्गोरिथम को समझने का, उसको लिखने का, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा ठीक है, जीसीडी ऑफ ए एंड बी कैन बी राइट जीसीडी ऑफ बी एंड ए बी माइनस ए। तो मींस कि जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू द जीसीडी ऑफ ए सॉरी जीसीडी ऑफ बी एंड बी माइनस ए। क्या मतलब है इस बात का, ये देखो अगर मैं कॉमन निकालते हैं जीसीडी हम 128 एंड किसका निकाले 90 का निकाल, तो 270 का निकाल लेते हैं। तो देखो कैसे काम करेगा, इसका मतलब जीसीडी ऑफ 180 और 270 जो है वो जीसीडी ऑफ बी इज इक्वल टू बी माइनस ए के इक्वल। कैसे, ये देखो जीसीडी ऑफ दिस सो 270 सो 1 वगैरह, ठीक है 180 को ऐसे से दे देते हैं एंड 270 माइनस 180, राइट? वी आर जस्ट राइटिंग द डिफरेंस, वी गेट 90 एंड देन
90 है एंड वी सब्ट्रैक्ट 180 फ्रॉम 90 एंड देन वी गेट 90. सो द जीसीडी ऑफ 90 एंड 90 इज 90. सो दिस इज ओवर जीसीडी. आई होप आपको इसकी वर्किंग समझ आई. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम पेपर के इन टर्म्स ऑफ पेपर एंड वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम. क्योंकि लार्ज जो नंबर्स के जीसीडी फाइंड करने में बहुत ज्यादा मुश्किल आती है, लेकिन यूक्लिड ने अपने काफी इजी मेथड बताया इसको सॉल्व करने.